हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अपनों ने नंबर सीरीज का पार्ट फर्स्ट कर लिया है। आज अपने मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सभी वही क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि अभी अपने जो है बेस बना रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर नंबर सीरीज आपके एग्जाम में पूछी गई उन्हीं से अगर खेलेंगे तो ज्यादा आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, चीजें ज्यादा क्लियरिटी होगी, और उसके बाद अपने हाई जो पैटर्न होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होते हैं, वो वाले पैटर्न भी कर लेंगे, ताकि उनसे आप लोगों को अगर एग्जाम में कुछ हार्ड आए तो वो चीजें आप लोगों को ऐसी ना लगे कि हमने की नहीं है, तो वो चीजें भी अपनी हो जाएगी। तो आज अपने जो डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज आपके सामने है। तो आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देख लिया है तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये नंबर सीरीज जल्दी से बनाओ और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे जल्दी से बनाओ इस नंबर सीरीज को, बहुत ईजी है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर से उठाई गई ये सभी सीरीज, तो इस नंबर सीरीज को जल्दी से बनाओ। देखो पैटर्न क्या चल रहा है, देखो उसमें पैटर्न क्या चल रहा है, अपने पैटर्न देखते हैं। और 4 बजे आपकी क्लास होती है डेली 4 PM पे, 4 PM पे आप लोग डेली जुड़ जाना है यहाँ पे आके चैनल के साथ। बाकी अगर आप लोगों ने अफेयर क्लाउड्स नहीं लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए जीके के लिए। जीके में इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो वो वाला आप लोग ले सकते हो। बाकी अपने इसको स्टार्ट करते हैं। देखो देखो 458 है ना, उसे 228 तक आना है, 228 से 112 जाना है, 112 से 53 जाना है, 53 से कुछ नंबर और जाना है। या तो आप लोग क्या करो, इस साइड से चले जाओ, इस साइड से जाएंगे तो 112 आ रहा है, 128, 228 आ रहा है, 458, या आप इस साइड से आ जाओ, किसी भी साइड से आप लोग आ जा सकते हो। अगर इस साइड से जाओगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, अगर आप लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप लोग इस साइड से भी जा सकते हो। देखो 458 से 228 कैसे लेके आ सकता हूँ, 458 का अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं 458 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 22 और 229 आ जाएगा, 229 आ जाएगा, पर यहाँ पे 228 आ रहा है, तो ये बोल सकता हूँ कि 458 को 2 से डिवाइड करूं और -1 कर दूं तो 229 आ जाएगा मेरे पास, और उसमें से 1 घटा दूंगा तो 228 आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया कि अपना पहला पैटर्न तो ये हो गया कि डिवाइड किया 2 से और माइनस कर दिया 1। अब 228 से 112 कैसे आना है, तो 228 को 2 से डिवाइड करके और देख लेते हैं, 114 आ गया। अब 2 से डिवाइड किया और 2 ही मैं माइनस कर दूं तो 112 तो आ सकता है सर। तो अब इसमें देखिए 2 से डिवाइड किया और 2 ही माइनस कर दिया, 112 आ गया। 112 से 53 कैसे आना है, 112 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया मेरे पास, 56 आ गया, और 56 आ गया उधर 53 आ रहा है तो माइनस हो जाएगा 3, यानी 2 से डिवाइड किया और 3 माइनस किया। अब देखो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ देखो 3 माइनस हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो यहाँ क्या होगा, 4 माइनस होगा। अब 53 को 2 से डिवाइड कैसे करोगे, 26 का डबल 52 होता है, तो 26.5 हो गया, और उसमें से 4 आप माइनस कर दोगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। तो सभी का आंसर 22.5 आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर यार मेंशन करो कि 22.5 अपना आ रहा है। नेक्स्ट पे चलो, आप लोग इसको इस साइड से भी ले जा सकते हो। देखो जैसे आप लोगों ने किया कि 53 × 2, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, 106 हो गया, प्लस 6 करके 112 कर लो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ये देखो अब ये फेवरेट है IBPS की, आप लोगों को करवाई हुई है पहले ही। उसके बाद 8 आ गया अपना, 13 आ गया अपना, 27 आ गया, देखो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि डबल हो रहा है ना, 13 से 27 जा रहा हूँ तो लगभग 2 गुना हो रहा है। तो देखो 13 × 26 प्लस 1 27 तो हो रहा है जी, इधर पे क्या हो रहा है फिर, इधर पे देखो अगर 0.5 से करूँ 6 प्लस 1 करूँ 7 हो सकता है, 7 × 1 प्लस 1 करूँ 8 हो सकता है, 8 का आप देखो 0.5 से 1 से यहाँ 2 से यहाँ से 1.5 से 15 × 8 = 120 यानी 12 हो गई, प्लस 1 13 हो गया, तो यहाँ पे नंबर क्या होगा 2.5 प्लस हो जाएगा 1। देखो ये क्या है, इसको उठाओ, 27 × 25 है, तो आप लोगों को बताया हुआ है ना, जो आप लोगों ने 4 वीडियो देखे हैं पहले जो फास्ट मैथ वाले, उनमें बताया हुआ है 27 × 25 कैसे करना है, क्योंकि जो अपने 26 का स्क्वायर होता है वो 676 होता है, तो 675 हो जाएगा और 1 के बाद पॉइंट लगा दो तो 67.5 हो जाएगा, उसमें 1 प्लस कर दो तो अपना आंसर बन जाएगा 68.5। नेक्स्ट देखो जल्दी से बनाओ नंबर सीरीज, डिफरेंस बहुत कम है इसमें, तो मान के चलो कि आप लोग का डबल डिफरेंस बन जाएगा ये, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगेगा। देखो अब 1116 इधर 1089 है, अब इधर मेरे पास कितना आ गया 90 और 11 इधर बच गए मेरे पास, ये देखो इधर से प्लस आ गया 11 और इधर 16 है, 11 और 16 कितना होता है 27 होता है, डिफरेंस आ गया 27। इधर और देख लो, इधर देखो 1864 से माइनस जा रहा है ना, ये भी माइनस हुआ था, ये माइनस हुआ था, अब 1864 से 1521 जाना है, देखो 1864 है, डिफरेंस कैसे निकाल दिया, 1521 पे जाना है, या तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से लिखो और डिफरेंस निकाल लो, ठीक है ये तो आप लोगों का एक तरीका हो गया, तो 343 आ गया मेरे पास डिफरेंस। दूसरा क्या आप लोग ये मानो
कि 18 में से 1500 गए तो 300 आ गया, और इधर 64 में से अगर 21 जाएंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 43 आ जाएगा। अब 1521 में से 1305 क्या, देखो 1521 है ना, इसमें से 1305 घटा देना मेरे को, तो 1521 से आप 1321 तक चले जाओ, 1400 और 200 ये आ गए, और 21 से 5 तक और चले जाओ, 21 से 5 तक जाओ तो 16 आ जाएगा, तो 216 आ जाएगा। अब देखो अगर इस साइड से करोगे तो ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आएगा, एक यहाँ, दो डिफरेंस हो रहा नहीं है। देखो 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, ये कितना का होता है, 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब। अब देखो 1305 है, 1305 में से माइनस क्या करूंगा, 5 का क्यूब 125, तो ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये 0, 1080 आ गया मेरे पास, आंसर क्या आ गया, 1080 आ गया। अब इधर से देख लो 116 है, 1116 सॉरी, और 4 का क्यूब को 64, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 और 4 10, 6 और 1 7 1 8, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा इधर, 1180 आ जाएगा, और ये अपना इधर कितना आएगा, 1080 आ गया था अपना, ठीक है, ये अपना इधर 1100 आ जाएगा, अपना मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन, तो ये 1180 इतना आंसर आ जाएगा, 1180 आ गया इधर, ठीक है, तो कभी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो बहुत ईजी है, कराया भी आपको, 18 9 18 72 576। अब देखो यहां से यहां तक जा सकते हो तो लगभग 2 से जा सकता है, ये लगभग 4 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये लगभग क्या होना चाहिए, 2 4 या तो 6 होना चाहिए, तो 7 6 42 होते हैं, 8 से जाएगा तो 856, 8 से जा सकते हैं, 8 2 16, 7 8 56, 576 कंप्लीट हो गया अपना। देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इधर क्या होना चाहिए, इधर 1 का डबल 2, और इधर क्या हो गया, 0.5, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 0.5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 के 1 से करेंगे 9, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा इधर। नेक्स्ट देखो, अब ये भी करवाया हुआ आपको, 12 से 6.5, 7.5, 12.75, 27.5, और क्वेश्चन मार्क, देखो हाफ किया 6 आ गया, प्लस 0.05 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6.5 हो जाएगा, इधर 1 से किया प्लस 1 ऐड करते तो 7.5 हो जाएगा, यानी जिस नंबर से गुना कर रहे हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसी नंबर को ऐड करना है। अब देखो 0.5 से 1 आ गया, अब या तो यहाँ पे 2 आए या 1.5 आए, 2 करके देख लेते हैं एक बार अपने, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 15 बनता है, 2 तो नहीं आएगा अपना, 2 वाला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डबल तो नहीं हो रहा, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1.5 आएगा, और 1.5 ही ऐड होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1.5 आएगा और यही नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो 75 × 15 करना है, बहुत ईजी है, 75 × 15, या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या डायरेक्ट ही कर लो, डायरेक्ट करोगे देखो 15 7 105, और 15 7 105 हो गया 70 से करना है, और 15 5 75 और हो गया अपने पास एक, तो ये 5 हो गया, ये 12 आ गया, और इधर 1 1 आ गया। अब देखो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 11.25 आ गया, इसमें 1.50 ऐड कर दो, अब देखो 5 2 7 2 12.75 आ गया ना अपना, तो अपना क्लियर हो गया कि ये वाला पैटर्न चलेगा। नेक्स्ट होगा 2 प्लस 2, देखो 12 का डबल करेंगे 24, और 75 का डबल करेंगे तो हो जाएगा अपने पास कितना, हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 25.50 और 26 और 27.50 हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 2.5 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2.5 ऐड कर देना। अब ये ऐड कर लो आप लोग, मल्टीप्लिकेशन कर लो उसका, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, आप लोगों के पास कोई शॉर्टकट है नहीं, या तो आप लोग क्रॉस मेथड लगा लो, क्रॉस मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर लो, या आप डायरेक्ट ये कर लो कि 25 का अगर अपने 200 करेंगे तो 25 2 50 और 2 बिंदी और आ जाएगी, 5000 आ जाएगा, और 25 7 कितने होते हैं अपने पास, 175, तो ये 1750 आ जाएगा, और 25 5 125 आ जाएगा, देखो 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 68.75 आ गया, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, और इसमें अपने 2.5 और जोड़ देना है ना, तो ये 5 हो गया, 7 और 5 अपने पास 12 हो गया, 6 2 8 रही, 71.25 अपना आंसर बन जाएगा, 71.25 अपना राइट आंसर बन, तो 71.25 इसका आंसर क्या बनेगा, 71.25। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि 27.5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बाकी सीरीज ये कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो 5 के बाद देखो 15, ये भी आपको करवाए हुए हैं, 15 के बाद 1030, और नंबर देखो एकदम से इंक्रीज हो रहा है ना, लगभग 6 गुना लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 6 गुना नहीं लग रहा आपको कि लगभग 1000 से 6000 हो रहा है, तो 6
गुना लग रहा है तो देखो 18 आ गया इधर पे और 6180 आ गया, लगभग 5 ऐड कर दूं तो 6185 आ जाएगा। हो तो सकता है अगर यहाँ पे 6 गुना है तो हो सकता है कि ये नंबर हो, इसको 5 से करो, इसको 4 से करो, इसको 3 से करो, इसको 2 से करो, ये भी तो पैटर्न हो सकता है। देख लेते हैं एक बार, 5 2 10 प्लस 5 15, 15 3 45 प्लस 50, और इसको 4 से कर दूं और प्लस ही 5 कर दूं क्या, तो 200 205 हो सकता है यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं एक बार, 5 से इसको कर दूं प्लस 5 कर दूं, देखो 1025 प्लस 5 30, तो 205 अपना राइट आंसर बन गया। अब देखो मैंने अप्रोच कहां से लिया कि 1030 से 6185 हो रहा है, यानी नंबर एकदम से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इजीली आप लोग बता सकते हो कि 1030 से अगर 6000 जा रहा है तो लगभग 6 गुना हो रहा है। जब मैंने 6 गुना किया तो मैंने देखा 5 और ऐड हो रहा है तो 5 और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर मेरा नंबर 6 गुना हो रहा है तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये वाला पैटर्न चल सकता है। तो मैंने इसको एंजूम किया और लगा के देखा तो ये पैटर्न बन गया मेरा। अगर ये नहीं बनता तो कोई और पैटर्न बनता, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि अपना कौन सा पैटर्न लगता है, वो अपने माइंड पे डिपेंड है कि अपन कितनी जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका डिफरेंस बेस ही लग रहा है गेन के मुझे तो। देखो 30 से 54 पे जाएंगे तो 24 का डिफरेंस हो जाएगा, 54 से 86 पे जाएंगे तो 32 का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, उसके बाद बताना है ये वाला डिफरेंस। देखो 80 तक जाएंगे तो 6 ये हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्या, नहीं 6 ये हो जाएगा अपना और 20 26 हो जाएगा ना, 26 और 30 56 हो जाएगा। अब ये लग तो रहा है कुछ अपने को कि लगभग अगर 8 से अगर इसको बनाएं अपने तो 8 7 56 तो आ जाएंगे, 8 3 24 भी आ सकता है, 8 4 32 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 5 40, यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 6 48, बन तो रहा है पैटर्न। 40 ऐड करके देख लेते हैं 186 में, 6 और 226 और 48 और ऐड कर दो उसमें, देखो 274 बन रहा है ना अपना, तो राइट अपना आंसर क्या बन जाएगा, 186 प्लस 40 226 अपना राइट आंसर बनेगा इधर 226। देखो अब कितनी जल्दी मैंने यहाँ पे देखा कि ये 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, तो ये 3 बार 1008 से ये 4 बार जा रहा है, तो ये 5 बार हो सकता है, ये 6 बार हो सकता है, ये 7 बार हो सकता है। पर अपनों ने जब वेरीफाई किया नंबर को तो नंबर अपना सही हो गया। पर ये आपको इनिशियल स्टेज में करना है, यानी जब आप सीख रहे हो तब ये चीजें करनी है। जब आप सीख जाओगे फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि सर ये तो 3 है तो ये 4 है, ये 5 6 होगा, यानी इस तरह से आप लोगों को पता लगने लग जाएगा कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, ये भी नंबर इजी है, देखो 2 का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस देखते हैं इसमें 6 का डिफरेंस हो रहा है और 12 का डिफरेंस हो रहा है, इधर पे देख लो 29 का डिफरेंस हो रहा है ना, 29 देखो 29 का और 13 का डिफरेंस हो रहा है तो 42 का डिफरेंस हो रहा है ना। अब ये नंबर को समझ में नहीं आ रहा, एक बार डिफरेंस और कर लेते हैं अपने, 4 का आ रहा है, 6 का डिफरेंस बन रहा है, एक डिफरेंस तो यहां पे बनेगा अपना इन दोनों के बीच में, एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में बनेगा, जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उनके साथ में इसका डिफरेंस बनेगा और जो यहाँ पे आएगा उसका डिफरेंस इसके साथ में बनेगा और फिर इसके साथ में डिफरेंस बनेगा। तो ये हो सकता है कि 4 6 ये 10 हो जाए मेरा, ये 12 हो जाए, ये 14 हो जाए, हो तो सकता है 10 12 के अंदर अगर 10 ऐड करूं तो यहाँ पे 22 आ सकता है। अब 37 और 22 अगर करके देखूं मैं तो 59 बन जाएगा, इधर बन तो सकता है 59, पर 59 के अब देखो यहाँ पे 22 आया था ना अपना, 22 के अंदर अगर 12 ऐड कर दूं तो 34 हो रहा है, और 59 और 34 अगर ऐड करके देखूं तो 9 4 13 5 13 93 बन रहा है, पर ये तो नहीं बन रहा। इसके अंदर अपने कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी, देख लेते हैं एक बार, देखो दोबारा से देखते हैं इसको एक बार, कलर चेंज कर लेते हैं अपने, यहीं पे देख लेते हैं इसको, कुछ गलती तो हुआ है। तो देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है, 12 का आ रहा है, ठीक है, आगे दोनों के बीच में 42 आ गया, इधर पे 4 आ गया दोनों का डिफरेंस, इधर पे कितना आ गया 6 आ गया, 4 6 10 कैसे लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे 8 आना चाहिए, 4 6 यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए, आइडियली बनना तो यही चाहिए, 12 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 नहीं 20 आना चाहिए ना, 37 और 20 को अगर ऐड कर लेते हैं अपने 57 बनना चाहिए अपना नंबर, 57 बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब 57 अगर नंबर बने तो फिर उसके अंदर अपने 30 ऐड करें तो 87 बन जाएगा, तो अपना राइट हो गया 57, आंसर बन जाएगा 57। ये भी इजी नंबर लग रहा है मेरे को। देखो इधर से अगर 3000 से अगर 6000 जाओगे तो लगभग कितना लगेगा, देखो 3000 से अगर अपने
20,000 पे जा रहे हैं तो लगभग 6 टाइम पे जा रहे हैं, यानी 6 थी 18 लगभग जा रहा है 20 टाइम पे, तो ये 5 टाइम होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए, 3 टाइम, 2 टाइम। पर इधर से अगर देखें अपने तो ये लगभग हाफ लग रहा है, हाफ नहीं लग रहा आपको कि अगर 0.5 से इसको करूँ तो 64 आ जाए, और इसको अगर मैं करूँ 1.5 से, यानी 64 और 32 96 हो जाएंगे। अगर इसको मैं करूँ 2 से तो नहीं बन रहा, पर अगर 2.5 से करूँ तो बन जाएगा, यानी 96 × 2.5 करूँ। ट्रिक आपको बताई हुई है, 48 × 5 = 240, ठीक है 240 बन रहा है यहाँ, तो ये नंबर 3.5 से बनेगा। देखो 7 और 12 7 84, 840 नंबर बनना चाहिए आपका, 840 आपका नंबर अगर ये बन रहा है तो नेक्स्ट आपका 4.5 से करोगे, ये 9 हो गया अपना और ये 42 हो गया, तो 9 2 18, 9 6 36 और 37 37 बन गया, ठीक है डायरेक्ट ये बनेगा अपना 840 बनेगा। अभी इतना फास्ट कैसे कर लिया मैंने, 240 × 35 था ना, ये ट्रिक आपको बताई हुई है बेसिक वाली क्लासेस में, वो क्लासेस देखो बार बार, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो 7 आ जाएगा 12 आ जाएगा, अब एक बार काटा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है और ये 5 का मल्टीपल है। जब भी 5 का मल्टीपल और सम संख्या हो तो जो भी सम संख्या है उसका हाफ कर दो, और 5 के टेबल में जहां पे भी आ रहा है उसको कट कर दो। अब 5 के टेबल में 7 बार जा रहा है तो 7 से कट हो गया, अब 12 7 84 हो जाएगा ना, ये तो ईजी हो गया अपना 12 7 84। अब एक बार कट गया तो 1 0 लगा दो तो 840 बन जाएगा अपना, और 3.5 था ये तो ये वाला 0 कट जाएगा पॉइंट से। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाना। अब देखो यहाँ पे 0 10 24 68 120, या तो कोई मल्टीप्लिकेशन होगा या कोई स्क्वायर क्यूब का यहाँ पे खेल हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस तो नहीं होगा, 9 का डिफरेंस होगा, उसके बाद 14 का हो जाएगा, उसके बाद 44 का डिफरेंस होगा। पर इन नंबर्स को अगर देखूं तो मैं कुछ मेरे को याद आ रहा है कि 24 68 120, ऐसा अगर आप रिमाइंड कर पाओ। देखो 120 नंबर किसके करीब आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 125 के करीब आ रहा है, और 125 मेरे को पता है 5 का क्यूब होता है, अब उसमें से अगर 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास 120 तो आ सकता है। 68 लगभग मेरे को लग रहा है कि 4 का क्यूब हो और उसमें से 4 माइनस हो जाए तो 68 आ जाए, और 24 का अगर मैं देखूं तो 3 का क्यूब 27 − 3 करूं तो 24 8 हो सकता है। 10 का देखो, अब 2 का क्यूब होता है कितना, अब देखो 2 का क्यूब अगर यहां पे करोगे आप लोग तो वो तो 8 होता है, प्लस 2 8 होना चाहिए, और इधर भी 4 8 हो रहा है ना, माइनस कर दिया अपने 8 हो रहा है, तो प्लस माइनस इधर पे क्या होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 माइनस कर देंगे 1 तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब + 6 होना चाहिए ना, तो 216 बनेगा नेक्स्ट नंबर, 216 बनना चाहिए, और उसके अंदर 6 ऐड करूं मैं तो 16 और 6 कितने होते हैं, 22 होते हैं, तो 222 बन जाएगा नेक्स्ट नंबर, कोई दिक्कत, दोबारा देख लो आप, क्योंकि यहाँ पे 120 लगा मुझे, मुझे 120 लगा तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ क्यूब है, यानी 5 का क्यूब 125 होता है। ये नंबर आप लोगों को ऐसे याद रखनी होगी, यानी जैसे 1 का क्यूब हो गया, 1 2 का हो गया, 8 3 का हो गया, 9 4 का 3 का हो गया, 27 4 का हो गया, 64 5 का हो गया, 125। अभी नंबर से जैसे आपको 129 दे दिया, या आपको 68 दे दिया, या आपको इधर इन्होंने दे दिया 31 दे दिया, 12 दे दिया, 5 दे दिया, अब ये नंबर दे दिए, तो इन नंबर में आपको देखना हो कि 1 की क्यूब + 4 हो रहा है, 2 की क्यूब + यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 की क्यूब + 4 हो रहा है, 4 की क्यूब + 4 हो रहा है। जब भी ऐसे नंबर दिखे आपको 5 12 31 68 129, ये नंबर आपको याद रखने हैं, ये नंबर आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए कि इन नंबर से कुछ कुछ बन सकता है अपना। नेक्स्ट देखो 12 से 26, अब देखो नंबर एकदम इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 328 से ये जा रहा है लगभग 3 से 5 5 टाइम चला जाएगा मेरे को ये लग रहा है, तो फिर ये 4 टाइम होना चाहिए, अगर इसको 4 टाइम करें तो 8 6 32 और 324 और +4 328 हो गया। इधर और चेक कर लेते हैं, 26 78 + 3 81 हो तो रहा है सर, 12 2 24 + 2 26 हो गया, तो ये नंबर 5 टाइम + 5 हो गया, तो ये नंबर 6 टाइम + 6 होना चाहिए मेरा। तो देखो 16 6 96, 2 0 लग जाएगा, 6 6 24 तो 240 हो जाएगा, और 6 5 30, अब इनको ऐड कर लो आप, 97 176 अपना आंसर बन जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा इसमें, तो सॉरी 98 176 अपना आंसर बन जाएगा, इधर 98 176 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो,
अब देखो 88 से 400 पे जा रहा है, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि लगभग 5 टाइम तो हो रहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये 5 टाइम हो रहा है नंबर। तो वो 8 5 40, 4 8 5 40, 440 प्लस 5 कर दूं तो 445 बन जाएगा। तो ये 4 टाइम पे जाए, ये 3 पे जाए, ये 2 पे जाए, ये 1 पे जाए, हो तो सकता है, देख लेते हैं। 1 + 1 करें, 2 × 2 4 + 2 6 हो सकता है। 6 का अगर करूं मैं इंटू 3 से, 6 3 18 और 3 कितने हो गए 21, इसका 4 से करूं 21 हो गए 84 + 4 88, तो अपना राइट आंसर बन जाएगा 21। इस तरह से आप लोग नंबर चेक करने हैं, क्योंकि दिमाग में जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अचानक से ये चीजें क्लिक होने लग जाएगी कि ये 5 गुना हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी इजी है, इसमें डिफरेंस करके देखें अपने, क्योंकि लग रहा है नंबर एकदम से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे 17 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो आप 24 का डिफरेंस बन रहा है। डबल डिफरेंस कर लें, 5 और 3 8, 9 का डिफरेंस हो रहा है, और इधर अगर देखोगे तो 4 और 3 7 का डिफरेंस हो रहा है। कुछ नंबर से समझ में नहीं आ रहा अपने, यार डिफरेंस गलत निकाल दिया अपनों ने। देखो यहाँ पे तो 8 का और 3 का 5 का हो जाएगा, इधर पे 8 का हो जाएगा, इधर पे 16 का डबल 32 होता है, एक और जोड़ तो 17 हो जाएगा, इधर 7 में से 3 जाएंगे 4, 5 में से 3 जाएंगे 2, 24 आ गया अपने पास। तो ये नंबर भी 5 8 17 24, इनका डबल डिफरेंस करते हैं, 3 का आ गया और यहाँ पे 9 आ गया अपना, और इधर 4 और 3 अपना 7 बन गया, तो 3 9 7 डबल डिफरेंस है तो अपना नहीं बन। पर इन नंबर्स को अगर हम अपने दोबारा देखते हैं, इधर देखो 3 8 16 33 57, अब इनका डिफरेंस 5 आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है इनका डिफरेंस 8 का, इधर पे आ रहा है 17 का, इधर पे आ रहा है 24 का, डबल डिफरेंस से तो नहीं बन रहा है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाला पैटर्न तो अपना नहीं लगेगा। बाकी इन नंबर को अभी मैंने आप लोगों को एक दिखाया था, जो पीछे किधर गया अपना ये वाला, यहां से जो ये नंबर दिख रहे थे ना, कुछ ऐसा ही उसमें अपने को दिखने को मिल सकता है, देखते हैं अपने, ये वाला था ना। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अगर 2 का स्क्वायर करूं प्लस 1 कर दूं तो बन सकता है, 2 का स्क्वायर 4 + 1, हो तो सकता है सर। और ये क्या हो सकता है कि 2 के बाद 3 का स्क्वायर - 1 हो सकता है, 4 का स्क्वायर + 1 हो सकता है, 5 का स्क्वायर - 1, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 6 का स्क्वायर + 1 होगा 36 और 1 37, तो 7 और 7 14, 5 और 3 8 और 1 9, तो 94 अपना आंसर बन जाएगा इसका, राइट आंसर क्या बनेगा 94। नेक्स्ट देखते हैं अपने, देखो 15 से 7.5 बन रहा है ना, अब 15 से 7.5 आपको पता है कि हाफ हो रहा है, ये 0.5 से ही होगा, 7.5 से 7.5 यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7.5 से फिर 15 15 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 से 60 पे जा रहा है मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इसका डबल हो रहा है ना, ये इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसका डबल 8 होगा, 8 6 48, 480 बन जाएगा अपना। नेक्स्ट देखो 10 से 17, 17 से 27, 27 से 42 बन रहा है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं, नंबर कम इंक्रीज हो रहे हैं, 7 हो गया, 10 हो गया, अब ये देखो 13 और 2 15 का डिफरेंस हो गया, डबल डिफरेंस करेंगे तो 3 हो गया, 5 हो गया, हो सकता है नेक्स्ट नंबर 8 भी हो, 7 हो जाएगा ना, 8 किसे होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से नंबर है अपने, विषम संख्या है अपनी, 3 5 7 9 11, तो 15 और 7 करेंगे 22 हो जाएगा, 22 और 42 करेंगे 64 हो जाएगा, तो 64 अपना राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 17 30 41, अब इसमें भी अपने डिफरेंस करेंगे, 2 17 30 41 क्वेश्चन मार्क, देखो ये डिफरेंस कितना हो गया अपना 11 का, ये कितना हो गया अपना 13 का, ये कितना हो गया मतलब 15 का, देखो 15 के बाद 13, 13 के बाद 11, तो अपना नंबर कौन सा चल रहा है, विषम संख्या चल रही है, 11 के बाद 9 आ जाएगा, और तो आंसर क्या आ जाएगा, 41 - 9 करेंगे तो 32 आ जाएगा अपना, प्लस हो रहा है ना, माइनस थोड़ी हो रहा है, प्लस हो रहा है अपना, प्लस कर देंगे तो 41 और 9 50 हो जाएगा अपना, आंसर बन जाएगा 50। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो आप लोग क्या देखने को मिल रहा है अपने को, देखो इसमें 90 है, 90 के बाद 123 है, फिर नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सीरीज होती है ना, जैसे 101 है यहाँ पे, ठीक है, इन सीरीज को अपने अल्टरनेटिव, सबसे पहले ऐसी सीरीज में अपने अल्टरनेट चेक करते हैं,
यानी हो सकता है कि इनमें अल्टरनेट लगा हो, क्योंकि अब देखो 123 से एकदम नंबर डिक्रीज हो गया, यहाँ पे नंबर डिक्रीज था उससे एकदम इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया और फिर इंक्रीज हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार अपने, 101 से 90 पे आऊंगा, 90 से 79 पे जाऊंगा, ठीक है, और इधर इनका और इनका अपने चेक कर लेते हैं। अब देखो 101 से अगर 90 पे जाना है मेरे को तो 11 माइनस करना पड़ेगा, 90 से अगर मेरे को जाना है 79 पे तो फिर भी 11 माइनस करना पड़ेगा, तो लग तो रहा है अल्टरनेट मिल जाएगा। ऊपर देखें अपने, 134 में से अगर 123 घटा दूं इस साइड लेके आऊं तो -11 हो जाएगा, अब इस साइड और आऊंगा तो -11 और करना पड़ेगा। अब 23 में से अगर 11 निकाल दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 112 अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या बनेगा इधर, 112। तो ये कुछ मिसिंग नंबर सीरीज थे जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। अब अपना रॉन्ग नंबर पे होगा नेक्स्ट वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस करके रखिए, और 4 बजे आपको क्लास यहाँ पे डेली मिलती है मैथ्स की। जीरो से हीरो आपका बैच चल रहा है, ये बिल्कुल फ्री बैच है, जीरो टू हीरो। सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इसको, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, और जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे कि कहीं कहीं उनको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, जो बैच वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए फ्री क्लासेस है और बहुत अच्छा कंटेंट है इनमें, अपडेटेड कंटेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड, और जो एग्जाम में पूछा गया है BSBPO, IBPS, PO, IBPS क्लरिकल में, तो वो वाले क्वेश्चन अपने यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, थैंक्स गाइस।